आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बाद नमाज फजर अल्लाह के फजलो करम से मैं संतोष नगर पार्क और उसके साथ साथ यहाँ की जो एक्टिविटीज है अचानक देखने के लिए आया। खुशी इस बात की हुई है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खास तौर से मेरे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए अल्लाह के फजलो करम से न सिर्फ योगा कर रहे हैं बल्कि दूसरी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मैं ये चाहता था कि यहाँ आऊं और आकर देखूं कि ये लोगों किस तरीके से फिटनेस करते हैं। मुझे पता चला कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा हमारे मास्टर भी और काफ़ी जिम्मेदार लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आके खुशी इस तरीके से हुई है कि हर इंसान को अपने आप को फिट रखना चाहिए। आज के दौर में ये हो गया कि कोई बीमार होता तो डॉक्टर से रुजू होता तो उसके बाद में वो कहता है कि वॉक करो या एक्सरसाइज करो। अगर अपन शुरू से ही अगर एक्सरसाइज करे और वॉकिंग करे, जिस तरीके से योगा चल रहा है, सब करे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना व तआला सेहत के साथ रखेगा। मौत तो एक दिन बरक है, बहैसियत मुसलमान मुझे यकीन भी है अल्लाह ताला वक्त लिख देता है, मगर मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि अल्लाह सुबहाना व तआला दुनिया से उठाए तो सेहतमंद उठाए ताकि किसी का मोहताज ना रखे। इसी के लिए मैं यहाँ देखने आया था, काफ़ी अच्छा लगा। और देखने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे जिस फ्लोर के ऊपर मेरे साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने यहाँ पर जो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैट की ज़रूरत है, मैट डालना ज़रूरी है। इसके बाजू का जो सेक्शन है, मेरी बहनों ने, मेरी माओं ने, उन लोग भी ना सिर्फ योगा और अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बाजू के पोर्शन के अंदर भी एक ओपन जिम डलाए और यहाँ के खवातीन के लिए एक्सक्लूसिव वो बाजू का ग्राउंड कर दे ताकि उन लोग एक्सक्लूसिव काम करें। उनके वॉशरूम्स भी बनाए जाएंगे। मैं अपनी जानिब से सीसी कैमरे भी वहाँ पे खातूनों के एरिया में लगाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं पूरी कोशिश भी करूँगा और बहुत जल्द से जल्द ये डेवलप करने के लिए, ताकि जब कभी भी मुझे भी वक्त मिल गया तो मैं भी इंशाल्लाह आके आप लोगों के साथ ज्वाइन होना पसंद करूँगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।